सोलन जिला के लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बारिश के चलते 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इस इमारत में रेस्टोरेंट भी था जहां पर आर्मी जवानों सहित कई लोग खाना खा रहे थे जो कि इमारत के साथ मलबे में दब गए हैं। घटना में अभी तक मारे गए 7 लोगों में से 6 सेना के जवान थे, जबकि एक महिला जो कि होटल मालिक की पत्नी बताई जा रही है उसकी मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी करीब 6 लोगों की दबे होने की आशंका है। राहत बचाव कार्य जारी है। जवान असम राइफल के बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना में दबे लोगों को निकालने के लिए राहत एवं बचाव कार्य जिला प्रशासन तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम चिकित्सकों और एम्बुलेंस के साथ तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य जारी किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शेष दबे लोगों को भी शीघ्र निकाला जाए। एनडीआरएफ की एक टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गई है। वहीं सुन्नी और पंजाब से 2 टीमें और बुलाई हैं, वे भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुँच जाएंगी। डीसी सोलन केसी चमन ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चला हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक भवन का मलबा पूरी तरह से हटाया नहीं जाता तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी और कितने लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक मारे गए 7 लोगों में से 6 सेना के जवान हैं, जबकि एक महिला जो कि होटल मालिक की पत्नी बताई जा रही है उसकी मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी करीब 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन चला है उसमें जो लोग घायल हुए हैं उन्हें फौरन ही राहत दी गई है। सीएम जयराम ठाकुर ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि मकान मालिक के ऊपर अवैध निर्माण के चलते एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोक संतप्त परिवारों को इस अपूर्णीय क्षति से उबरने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। विद्युत विभाग को लोगों की जन समस्याएं हल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञात रहे कि सुजानपुर क्षेत्र के अंतर्गत 5 सब डिवीजन कार्य कर रहे हैं, जिसमें 85 पद सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन 51 पद ही भरे गए हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि विभाग कार्य करने में सफल नहीं हो पा रहा है। विभाग की माने तो 288 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी विभाग के 2 कनिष्ठ अभियंता अफसरों पर ही टिकी हुई है। वहीं विभाग के पास लाइनमैन के 11 पद भरे गए हैं, जिनमें से 3 पद रिक्त चल रहे हैं। आने वाले दिनों में 3 के 3 लाइनमैन के रिटायरमेंट होने वाली है, जिससे विद्युत विभाग को स्टाफ की कमी के कारण जूझना पड़ रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार बिजली उपभोक्ताओं को अच्छी सुविधा देने का वादा कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विभाग में विद्युत कर्मचारियों का टोटा होने के कारण दिन भर लोग शिकायतें लेकर विद्युत विभाग कार्यालय में पहुंच रहे हैं। वहीं विभाग द्वारा ऑल सोर्स पर भी पद भरे गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सुजानपुर उपमंडल विद्युत विभाग में कर्मचारियों की कमी देखी जा सकती है। वहीं विभाग की माने तो विद्युत विभाग में 15,350 उपभोक्ता सोनपुर सुजानपुर टीला के विद्युत विभाग के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी समस्याओं को हल करने में विभाग निरंतर असफल होता नजर आ रहा है, जिसका कारण विद्युत विभाग के कर्मी स्टाफ की कमी को बता रहे हैं। वहीं विभागीय कर्मचारियों द्वारा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवा दी गई है, लेकिन विभागीय कर्मचारी हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, जिसकी मार हजारों रुपए बिल भरने वाले उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ रही है। एक तरफ तो भोक्ता उपभोक्ता 1 माह का बिल भी विभाग को नहीं दे पाता तो उसका मीटर विभाग द्वारा बंद कर दिया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों की मांग कई माह तक अधूरी पड़ी हुई है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि विद्युत विभाग के कर्मियों की कमी के कारण विभाग अपना कार्य बेखुदी से नहीं निभा रहा है। विद्युत विभाग के SDO हेमराज ठाकुर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण
विद्युत विभाग उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा समय पर नहीं कर पा रहा है। वहीं विभाग के पास काफी उपभोक्ता होने के कारण स्टाफ की कमी पूरी नहीं हो पा रही है। इसके बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है।